रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला हुआ है। रूस की रिफाइनरी पर ड्रोन हमले में भीषण आग लग गई है। यूक्रेन का यह दावा है कि लगातार यहां पर हम भी अटैक कर रहे हैं। हमले में हालांकि किसी की हताहत होने खबर नहीं। रूस ने नियमों का पालन नहीं किया, यह आरोप जेलेंस्की लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में लगातार हमले जो हैं वो जारी हैं। रूस की रिफाइनरी ने दावा किया है और कि इस पर ड्रोन से हमला हुआ है। इधर यूक्रेन से आए दो ड्रोन ने हमला करने का दावा है और तमाम जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं, यूक्रेनी अधिकारियों ने इधर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वो इस बात को एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो लगातार ऐसी आ रही हैं। खबर यह है कि यूक्रेन का दावा है रूस ने 30 फॉस्फोरस बम जो हैं वो दाग दिए हैं। अलग अलग तरफ से जो धमाके हैं वो किए जा रहे हैं। जंग को 4 महीने पूरे हो चुके हैं। तबाही जो है अभी भी लगातार जारी है। इस बम से लोगों के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन युद्ध भीषण त्रासदी की तरफ बढ़ता हुआ और इस युद्ध से लगातार स्थिति जो है वो भी खराब होती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक जरिए। कहा जा रहा है रूस ने शहर पर मोर्टार दागे हैं। ये सेरेडीना बुडा शहर में कहा जा रहा है कि यह हमला हुआ है और 20 विस्फोट जो हैं वो यहां पर किए गए हैं। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर जो है वो यहां सामने आ रही है। तो एक हफ्ते में सुमी क्षेत्र में करीब 100 हमले किए गए हैं, यह भी जानकारी निकल कर आ रही है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं सेरेडीना बुडा शहर में। इधर रूस से तेल खरीद में भारत ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है और तस्वीरें लगातार ग्राफिक जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। रूस ने तेल खरीद पर भारत को $30 छूट देने का भी ऐलान किया है। तो इसी की खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी गीता मोहन और हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश पवार जो कि कीव में हैं, दोनों मौजूद हैं। दोनों लगातार पहले दिन से युद्ध को कवर कर रहे हैं और हर रोज शाम को 6 बजे ये आपके लिए यहां पर अपडेट देने आते हैं। शुरुआत राजेश हम आपसे करते हैं। कई तरह के आरोप लग रहे हैं, ड्रोन हमलों का अटैक की बात की जा रही है रूस के ऊपर यूक्रेन के। हालांकि यूक्रेन इसे मान नहीं रहा है, अब तक उसको आधिकारिक तौर पर कहा नहीं गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तक जो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन में चल रही थी उसकी सरजमी धीरे धीरे बदलने लगी। जैसे जैसे हथियार मिल रहे हैं युद्ध का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए शुभांकर, जिस हमले की आप बात कर रहे हैं ये रूस के रोस्तोव के इलाके में है। वहां पे एक पेट्रोलियम डिपो पे हमला हुआ है जिसमें आग लगी है। रूस ने बोला है कि यूक्रेन हमला है, लेकिन यूक्रेन इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ली है। इस आग में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। एक डिपो पे आग लगी जिसपे काबू पा लिया गया है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि यूक्रेन ने फैसला किया है कि वो अपने सारे सैनिक सेवरोदोनेस्क, जहां पिछले 2 महीने से भीषण संग्राम जारी है, वहां से अपने सैनिक हटा लेगा। इसके बरखिलाफ रूस ने यह दावा किया है कि उन्होंने वहां यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिकों को घेर लिया है और उनका वहां से निकल पाना लगभग असंभव है। तो अपने आप में दो ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है रशिया और यूक्रेन से। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि यूक्रेन ने अब अपना दावा सेवरोदोनेस पे छोड़ दिया है और उस पर अभी रूस का कब्जा नियंत्रण पूरा हो चुका है। इसके अलावा जो दूसरा शहर था उसके दक्षिण में लिसिचांस्क, उसके ऊपर भी रूस का हमला लगभग पूरा हो चुका है। और दूसरा मैं बता दूं, जो आप मोटर हमले की बातें कर रहे हैं, जो यूक्रेन का दावा है, इस वक्त ऑलमोस्ट 60,000 आर्टिलरी राउंड्स फायर किए जा रहे हैं रूस के द्वारा डेली यूक्रेनियन पोजिशन के ऊपर। और आर्टिलरी शेल्स जो हैं वो मोर्टर से काफी बड़े होते हैं और काफी इफेक्टिव होते हैं। तो ये जो हमला है अभी दोनों तरफ का ये कहना है कि वो अभी लार्जली आर्टिलरी एक्सचेंज तक सीमित रह गया है। और चूंकि यूक्रेन का जो अम्यूनिशन स्टोरेज है वो कम हो गया है अभी, तो उन्हें ये खतरा महसूस हो रहा है कि रूस ने जो बढ़त बनाई है वो बढ़त लगातार बनाता रहेगा। शुभांकर जी, गीता, ये जो खबर राजेश बता रहे हैं इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? इसके साथ ही एक सवाल और ये भी है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा मिल गया है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा यूक्रेन की सेहत पर, जरा ये भी समझा दीजिए। और इस युद्ध के लिहाज से ये खबर कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए शुभांकर, आज राजेश का आवाज मैं बिल्कुल नहीं सुन पाई, तो मुझे पता नहीं उन्होंने बोला क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है राजेश की रिपोर्टिंग और राजेश को जाते हैं कह सकते हैं कि जो ये इम्पोर्टेंस है इस पूरे कैंडिडेट स्टेटस का, हम इसके बारे में कल भी बात कर रहे थे।
बहुत इम्पोर्टेंट है, सिंबॉलिक जेस्चर जिसको यूरोपियन यूनियन कहता है, इससे सिंबोलिज्म ना माने, इसको देखें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है काफी वक्त लगेगा. और अगर इन्होंने एक्सपेडाइट भी कर दिया तब भी देखते हैं कि जब विंटर्स आएंगे तो फिर बाकी यूरोपियन देश किस तरीके से बिहेव करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन एक और खबर जो निकल कर आ रही थी आज सुबह इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कि यूक्रेनियन फोर्सेस जो सेवेरो डोनेट्स्क का रीजन है उससे रिट्रीट कर रहे हैं, ये बहुत, अगर राजेश ने बताया हो या अपडेट दिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन जानना चाहेंगे राजेश से ही कि क्या ये सही है कि यूक्रेनियन फोर्सेस सेवेरो डोनेट्स्क से पीछे हट रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं. गीता उसी को लेकर राजेश ने बताया कि यूक्रेन ये कह रहा है, लेकिन रूस का ये दावा है कि उनके 2000 सैनिकों को वहां घेर लिया है. तो रूस का दावा और यूक्रेन की बात जो है वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, ये राजेश ने यही खबर अभी ब्रेक की थी. अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि अगर डिफरेंट न्यूज आ रहा है, अगर दो अलग अलग दोनों खेमे से अलग अलग न्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही इंटेंसिफाई हो चुका है, क्योंकि वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट एरिया है जिससे अगर यूक्रेन रिट्रीट कर जाता है और रशिया अपने कब्जे में कर लेता है तो डोनेट्स्क का जो रीजन है वो पूरी तरीके से डीपीआर के अंडर आ जाएगा, यानी कि जिसे रूस डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक मानता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और इस पर फोकस जरूर बना रहेगा. लेकिन जैसे आपने कहा, यूरोपियन यूनियन में कैंडिडेट स्टेटस भी पाना एक बहुत बड़ी खबर है. और जब एक तरफ यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि आप सिंबॉलिक जेस्चर ना माने, इसे ये लेकर चले कि ये दिखाता है कि किस तरीके का सपोर्ट वेस्ट और यूरोप यूक्रेन को दे रहा है. लेकिन शुभांकर, जैसे मैं और राजेश पहले से कहते आ रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या है, ये वो एक ट्रेडिंग इकोनॉमिक ब्लॉक है, इससे रूस और यूक्रेन के जो युद्ध में है उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है. अगर नेटो नहीं है, अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है तो कोई ज्यादा फर्क ऑन द ग्राउंड युद्ध पर नहीं पड़ेगा. लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है जो खबर में कुछ दिनों से बना हुआ है, वो फूड सिक्योरिटी को लेकर है. क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप देखें, फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इस पूरे रीजन में, और ग्लोबल फूड प्राइसेस जो है गेहूं के उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स है उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं. जहां एक तरफ भारत ने आज अपने हमारे विदेश मंत्री का जो वीकली ब्रीफिंग होता है उसमें हमारे जो विदेश सचिव है, फॉरेन सेक्रेटरी, खुद ब्रीफ कर रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के लिए जाने वाले हैं, जहां पर रूस यूक्रेन काफी इंपॉर्टेंट चर्चा होगा. भारत G7 का मेंबर नहीं है लेकिन इन्वाइटेड है इस साल, तो जर्मनी जा रहे हैं. फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है क्योंकि यूक्रेन ये कह रहा है कि रूस ने उनके सारे फूड ग्रेन्स को बंद कर दिया है, जाने नहीं दे रहा, एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहा, चोरी कर रहा है, रख रहा है, होर्ड कर रहा है. रूस का ये कहना है, अभी अभी उनके फॉरेन मिनिस्ट्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खत्म हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि हम फूड ग्रेन्स को रोक नहीं रहे हैं, हमने ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव में माइंस नहीं डाले थे, जिन्होंने डाले थे वो देखिए कि आप शिपमेंट्स कैसे बाहर लेके जाएंगे. और जैसे पुतिन ने कहा कुछ समय पहले जब सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में, कि अगर आप फूड ग्रेन यानी कि गेहूं और बाकी खाद्य पदार्थ को बाहर लेके जाना चाहते हैं यूक्रेन से, तो फिर लैंड रूट्स भी है, पोलैंड है, बेलारूस है, रोमेनिया है. बेलारूस चाहे रूस का पार्टनर है इसलिए आप ना यूज करना चाहे, लेकिन पूरा यूरोपियन बेल्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं. तो ये ब्लेम गेम करना बंद करें और देखें कि असल स्थिति क्या है. अभी वॉर की वजह से फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आप एनर्जी सिक्योरिटी छोड़े, सबसे ज्यादा हम बोलते रहते हैं कि विंटर्स आने वाले हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, रूस का गैस बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सबसे पहले शुभांकर, अभी इमीडिएट फ्यूचर में आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा बन के रह जाएगा.